नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज मैं बात कर रहा हूँ RSS प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत ने संतों से की है संघ की तुलना, बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की तुलना ठेठ संतों से की। उन्होंने कहा कि संत और संघ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है। मोहन भागवत ने यह बयान महाराष्ट्र के रत्नागिरी के नानीज में दिया। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संघ बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए इसकी चार चर्चा देश विदेश में होती है। उन्होंने कहा जिसके लिए यह शक्ति अनुकूल नहीं है असल में वही संघ पर टिप्पणी करता है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत को 5 लाख रुपए और तामपत्र देकर सम्मानित भी किया गया, लेकिन उन्होंने ये भेंट वापस कर दी। आपको बता दें, इससे पहले पिछले कुछ दिनों मोहन भागवत की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और RSS के कार्यक्रम में बुलाने पर वह सुर्खियों में आए थे। RSS के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी के जाने पर मचे विवाद RSS चीफ ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संघ सभी के लिए आत्मीयता का आदर्श मानता है और इसीलिए उसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब को अपने कार्यक्रम में बुलाने में कोई हिचक नहीं हुई। भागवत ने कहा जब वह एक ही पार्टी में थे तब वह उनसे संबंधित थे, लेकिन जब वह देश के राष्ट्रपति बन गए तो वो पूरे देश के हो गए। ये बात उन्होंने कही है। वैसे आपको हम ये भी बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत BJP को जितवाने के लिए जी हाँ तैयारियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और RSS BJP का पूरा पूरा समर्थन कर रही है, काफ़ी कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से नई रणनीति बनाई जाए, नई तरीके से वोटर्स को लुभाया जाए, क्या काम किया जाए, तमाम तरीके के जो पहलू हैं उस पर रणनीति बनाई जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत का अगर हम ये देख सकते हैं कि कुछ समय पहले ये भी देखने को मिला था कि मोहन भागवत एक मामले पर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पार्टी का कोई भी नेता, जी हाँ BJP के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि पार्टी का कोई भी नेता अपने आप को संघ से बड़ा ना समझे, क्योंकि संघ ही सबसे बड़ा है और कोई संघ से बड़ा अपने आप को समझता है तो उसका सही कह सकते हैं कि नतीजा नहीं रहेगा। इस तरह की बात मोहन भागवत ने कही थी। वैसे आपको हम ये भी बता दें कि मोहन भागवत जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और जिस तरह से ये देखने को मिला है कि प्रणब मुखर्जी को लेकर जब मामला सामने आया था माफ कीजिएगा, उसमें ये देखने को मिला था कि कांग्रेस के जो नेता थे वो नाराज थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने, जी हाँ, उन्होंने RSS की शाखा में हो गए थे और मोहन भागवत से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो इससे नाराज़ हो गए थे कांग्रेसी नेता। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को RSS के कार्यक्रम में बुलाने पर वह सुर्खियों में आए थे और RSS के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी के जाने पर जो है विवाद RSS विवाद हो गया था और इस पर उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा था, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि संघ सभी के लिए आत्मीयता का आदर्श मानता है और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यक्रम में बुलाने का कोई हिचक नहीं था। भागवत ने कहा कि जब वह एक पार्टी में थे तब वह उनसे यानी कि मिलते थे, जब वो देश के राष्ट्रपति बन गए तो वो पूरे देश के हो गए। यानी कि ये बात देखने को मिली है कि मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी की जो मुलाकात है इससे पहले भी हो चुकी थी और ये मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा भी है। आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि RSS के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी ने सरल शब्दों में भारत की बहुलतावादी संस्कृति का बखान किया था। उन्होंने आरएसएस कार्डर को बताया कि राष्ट्र की आत्मा बहुलवाद और पंथ निरपेक्षवाद में बसती है। पूर्व राष्ट्रपति ने प्रतिस्पर्धा हितों में संतुलन बनाने के लिए बातचीत का मार्ग अपनाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घृणा से राष्ट्रवाद कमजोर होता है और असहिष्णुता से राष्ट्र की पहचान क्षीण पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, सार्वजनिक संवाद में भिन्न मतों को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ज्यादा कोई उन्होंने वैसी बात नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर जो बात उन्होंने कही कि जब वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे तो किस तरह से मामला काफी तूल पकड़ा था, कांग्रेसी नेता काफी आपत्ति जता रहे थे, और उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस नेता होने के बावजूद ऐसा क्यों प्रणब मुखर्जी ने किया। लेकिन अब की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि वो किसी पार्टी के नेता के हैसियत से नहीं, एक देश के राष्ट्रपति के उससे जो है वो मिलने गए थे, ये बात उन्होंने कही थी। तो कांग्रेसी नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी नाराज थे प्रणब मुखर्जी के और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर, वो भी नाराज थे दोनों की मुलाकात से। तो जिस तरह से मामला देखने को मिला, मामला तूल पकड़ता गया, लेकिन जो ये मामला देखने को मिला है ये उस हिसाब या हम कह सकते हैं कि उसको जिस नतीजे पर पहुंचाया जा रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाया। और चलिए मैं थोड़ी सी लोकसभा चुनाव की भी ही बात कर लेता हूं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और अपनी पार्टी की छवि बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ किस तरह से कांग्रेस के एक नेता ने देखिए राफेल मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मैं आपको बता दूं कि राफेल मामले पर संसद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था, लेकिन उस दौरान राफेल मामले पर पीएम मोदी कोई ज्यादा जवाब नहीं दे पाए थे। और राफेल मामला जिस तरह से कांग्रेस के हाथ लगा है, तो कांग्रेस नेता ने राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार को किस तरह से घेरा, देखिए ये खास रिपोर्ट। राफेल फाइटर जेट के खरीद के अंदर 41,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जो जहाज डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए गवर्नमेंट में फ्रेंच कंपनी 526 करोड़ रुपए में दे रही थी, उसी जहाज को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार ने 1670 करोड़ रुपए पर जहाज के हिसाब से खरीदा है। जो जहाज 18,000 करोड़ रुपए के करीब में खरीदे जा सकते थे, उन जहाज़ों के लिए करीबन 60,000 करोड़ रुपए फ्रेंच कंपनी को दिए गए हैं और उस फ्रेंच कंपनी को दिए गए हैं जिसका कि समझौता रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। और रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजीज की जो कंपनी 28 मार्च 2015 को कंपनी वजूद में आती है और 10 अप्रैल 2015 को ठीक 12 दिन के बाद कंपनी का जन्म, कंपनी की क्रिएशन 28 मार्च 2015 को होती है और 12 दिन के बाद 10 अप्रैल 2015 को उनको 36,000 करोड़ रुपए का हिस्सा जो है एक काम का, वो फ्रेंच जो कंपनी है डेसॉल, वो अंबानी जी की कंपनी को दे देती है। सरासर दिन दिहाड़े ये लूट नहीं, ये डाका है जो देश के खजाने के, देश के गरीबों के ऊपर मारा गया है। क्या अंबानी और अडानी को इस बात का पता 10 अप्रैल से पहले था कि ये फाइटर जेट बनाने का जो सौदा है वो हिंदुस्तान की अपनी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ना दे के किसी प्राइवेट को दिया जाएगा, और उसी लिए इन्होंने 12 दिन पहले अपनी कंपनी फॉर्म की और अपनी दोस्ती निभाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि फ्रेंच गवर्नमेंट की जो फ्रेंच कंपनी है
वो ये बनाने का सारा काम 36,000 करोड़ रुपए का काम अंबानी जी की कंपनी को दे, ये सवाल इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना होगा। तो देखा आपने राफेल मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने क्या कहा। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चुनावी माहौल है, वाद विवाद का माहौल शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें किस पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता है और किसकी बात जनता ज़्यादा सुनती है, इस बात का फैसला तभी हो पाएगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसके स्तर पर सजेगा ताज, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं चुनाव को लेकर तो एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती इस कोशिश में लगी हैं कि किस तरह से पीएम बनाया जाए, क्योंकि वो गठबंधन की बात भी कर रही हैं कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार। Career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।